Hello everyone, welcome to Maths by Rishi. Just one day before your board exams and I'm here to discuss some doubts that one of you have given. I'm recording it just for the sake कि ये share कर दूंगा PCM वालों के लिए ये doubts हैं और अगर आपको देखना हो तो आप देख लेना. अभी थोड़ी देर में upload भी कर दूंगा. I'll try to be as quick as I can be. तो देखिए यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन जो आपने दिए हैं ये दोनों ही लिमिट्स के क्वेश्चन हैं एंड आई एम श्योर इसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा होगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी के ऊपर अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो लिमिट्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है तुम्हें वो पता होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज पहले ये तुम्हें याद कराता हूँ. लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो अगर आपके पास ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आ जाए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? इसकी वैल्यू हमेशा वन होती है. अगर यहाँ पे ए एक्स है तो यहाँ भी ए एक्स होना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना. और कौन सी प्रॉपर्टी है काम की आपके? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स दैट इज अगेन इक्वल टू व्हाट? वन. सिमिलरली टेन ए एक्स अपॉन ए एक्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वन. और इस इन क्वेश्चंस में और किसकी जरूरत लग रही है मुझे? और एक लॉग वाले की जरूरत मुझे महसूस हो रही है, वो भी देख लो यहाँ पे. हालांकि मैं तुम्हें बताऊं इस क्वेश्चन में ज़्यादातर अगर तुम्हें कोई परेशानी हो मैं तो स्ट्रेट सजेस्ट करता हूँ आप एल हॉपिटल यूज़ कर लिया करो. राइट, एल हॉपिटल, राइट, बिकॉज एमसीक्यू पेपर आने जा रहा है तो यहाँ पे तो एल हॉपिटल इज़ वेरी वेरी यूजफुल. ठीक है, स्ट्रेट अवे आप एल हॉपिटल यूज़ करो. एल हॉपिटल क्या कहलाता है कि अगर आप ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो फिर अगर 0/0 का फॉर्म है या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्म है तो आप अगर ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो फिर आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो और तब तक डिफरेंस कर सकते हो जब तक वो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो गायब ना हो जाए. ठीक है, तो अगर तुम्हें ये फॉर्मूलेज नहीं भी याद करना है इन मौकों पर तो तुम सीधा सीधा एल हॉपिटल यूज कर सकते हो. जैसे कि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में ई की पावर एक्स को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा कितना आएगा मेरे पास? ई की पावर एक्स आएगा. सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि जीरो पे ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ऊपर नीचे भी जीरो, लॉग वन आ रहा है यानी कि जीरो हो जाएगा. तो 0/0 का फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो मैं सर्टेनली यहाँ पे एल हॉपिटल यूज कर सकता हूँ. सो दिस इज ई रेज टू द पावर एक्स और लॉग ऑफ 1 + 2x को अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? 1/1 + 2x. ठीक है, और चेन रूल लगेगा तो ये 2x का मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा इन द न्यूमरेटर. ठीक है, नाउ एट दिस स्टेज आई स्ट्रांगली फील कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब मैं अगर x इज इक्वल टू 0 रख दूँ तो कोई टेंशन नहीं होने जा रही. दिस वुड बी ई रेज टू द पावर 0 विच इज 1, दिस इज 2 और नीचे 1 + 0 इज नथिंग बट 1 यानी कि फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 1/2. तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हो कि यहाँ पे k इज इक्वल टू 1/2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉपर्टी याद नहीं करनी है, राइट, जो क्लास 11 में तुम लोगों ने पढ़ रखी है. ठीक है, तो अभी एमसीक्यू पेपर है तो वहाँ अगर 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आ रहा है तो आप एल हॉपिटल को यूज कर सकते हो. ठीक है, मुझे ऐसा साफ साफ दिखता है कि इसका जो सेकंड पार्ट है, जो आपने सेकंड क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे भी एल हॉपिटल आसानी से यूज होता है. जैसे अगर मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूँ 1 - cos of 4x तो 1 का तो 0 हो गया, साइन cos x का माइनस sin x होता है तो दिस विल गिव मी व्हाट? दिस विल गिव मी प्लस साइन 4x इंटू 4. ठीक है, ओके, और x² का कितना आ गया? x² का मेरे पास 2x आ गया. ठीक है, 2x आ गया. क्यों ना इसको कैंसिल कर दे, इसको मैं अगर 2 से कैंसिल कर दूं. अब तुम्हारा दिल कर रहा है तो तुम एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हो या फिर तुम अगर ये सोच पा रहे हो कि अच्छा ये 2 का तो कोई चक्कर ही नहीं है और यहाँ मेरे पास 4x आ गया, नीचे मेरे पास x है, अगर नीचे 4x होता तो ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाता, तो नीचे 4 किया तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा ना, राइट. तो यहाँ पे दिस वैल्यू इज व्हाट? दिस वैल्यू इज 1 एंड 4 × 2 = 8 यानी कि 0 पे जो LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो कितना आ रहा है आपके पास? दैट इज कमिंग आउट टू बी 8. अगर इन्होंने सिर्फ आपसे k पूछा है तो मैं RHL चेक करने की जरूरत भी नहीं है मुझे और मैं स्ट्रेट अवे क्या बोलूंगा? k इज इक्वल टू 8. ठीक है, k इज इक्वल टू 8. बट मान लो अगर यहाँ पे तुम्हें ये राइट हैंड, अगर ये LHL नहीं दिया होता और सिर्फ RHL दिया होता तो आप इस सिचुएशन को डील करने के लिए क्या करते? आप इसको 100% रैशनलाइज करते. ठीक है, देखो रैशनलाइज भी करके देखते हैं जरा क्या आ रहा है. सो दिस इज √x और नीचे है मेरे पास 16 प्लस √x, √ के अंदर ही है, -4. ठीक है, तो डिनोमिनेटर को यहाँ पे रैशनलाइज करने का स्कोप बन रहा है, मैं उसको रैशनलाइज करूंगा. a - b का फॉर्म है तो ऊपर नीचे a + b से मल्टीप्लाई करूंगा. कितना आ गया, दिस वुड बी 16 प्लस रूट एक्स, ये ए की तरह रोल प्ले करेगा और 4 मेरा बी की तरह रोल प्ले करेगा। तो बड़े आसानी से आप इसको भी कर सकते थे, राइट। तो ये रूट एक्स अपनी जगह पे एज इट इज बना हुआ है, यहाँ आपके पास अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 हो गया, और नीचे देखो ये कितना हो जाएगा जब ए माइनस बी और ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये अंडर रूट गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 प्लस रूट एक्स और माइनस 4 का स्क्वायर विच इज 16। सो दिस इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, बचा क्या अंडर रूट 16 प्लस 4 विच इज 8। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया था आपको इसमें आरएचएल चेक करने की भी जरूरत नहीं है, राइट, बिकॉज ऐसा अगर उन्होंने बोला है कि वे चेक वेदर इट इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इट इज कंटीन्यूअस, तो ठीक है एलएचएल इज इक्वल टू द वैल्यू, दैट्स ऑल। ठीक है, आई होप दैट्स फाइन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन यूज द चैट बॉक्स टू लेट मी नो इन केस देयर इज एनी प्रॉब्लम। देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट डाउट दैट यू हैव गिवन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी फॉर व्हिच द फंक्शन दिस दिस एंड दिस इज कंटीन्यूअस। कैन, अच्छा अगर कॉन्टिन्यूस है तो एल एच एल आर एच एल सब इक्वल हो जाएंगे, है ना, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये देखूंगा कि यहाँ पे ये तो बड़ा इजी सा लग रहा है ना, और चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ साइन एल एच एल से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विद दी एल एच एल। तो ये है मेरे पास साइन ऑफ ए प्लस वन, राइट, ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। नीचे मेरे पास x है, मैं x को ऐसे अलग अलग से लिख सकता हूँ ना, लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस बिकॉज लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, तो मैं यहाँ पे अगर a प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और इससे बेनिफिट क्या होगा, दिस वुड बी टेकन एज 1 एंड दिस इज ऑलरेडी 1, ठीक है। सो एल एच एल इज कमिंग आउट टू बी ए प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स ए प्लस 2, ठीक है। इफ इट इज कॉन्टिन्यूस इट हैज टू बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विच इज सी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक कंक्लूजन ये निकल के आती है कि a प्लस 2 इज इक्वल टू सी, फाइन, ओके। देन आई विल बी फोकसिंग ऑन दी आर एच एल नाउ। अगर मैं आर एच एल को देखता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि मैं इसको रैशनलाइज करूँ, राइट। कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर कुछ भी आ रहा है तो आई सर्टनली थिंक कि आपको अगर रैशनलाइज कर लोगे तो कुछ अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो आप चलो देखते हैं, यहाँ मेरे पास a माइनस बी का फॉर्म अवेलेबल है, तो मैं ऊपर नीचे a प्लस बी से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। दिस इज बी एक्स रेज टू दी पावर 3/2, मैंने यहाँ ऊपर नीचे a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया। सो व्हाट इज a इन दिस केस, a इज कमिंग आउट टू बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, एंड द सेम थिंग वुड बी मल्टीप्लाइड इन द डिनोमिनेटर एज वेल विच इज एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ठीक है। कितना आ रहा है, अंडर रूट चला जाएगा, दिस विल बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर तो कुछ बहुत अच्छा सा आ गया आपके पास, और डिनोमिनेटर में भी अगर देखो, अगर मैं ये रूट एक्स अगर इसमें कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे एक्स की पावर 3/2 और एक्स की पावर 1/2 को कंसिडर करूँ तो ये एक्स स्क्वायर ही तो आएगा, है ना। बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है, दिस इज व्हाट इज लेफ्ट। और यहाँ पे अगर मैं सोचूं तो ये बी एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है, दिस इज एग्जैक्टली गॉन, ठीक है, ये हमारे पास पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है। अब मैं अगर x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ, x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आती है, मेरे पास वैल्यू आती है 1/2, आर एच एल आती है 1/2। यहाँ से मुझे ये कंक्लूजन मिलता है कि c is equal to 1/2, ठीक है, बिकॉज LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होते हैं। और दूसरी बात, जब मुझे C पता लग गया तो मैं बोलूंगा A प्लस 2 इज इक्वल टू C विच इज 1/2, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, ठीक है। तो A और C की वैल्यू तो परफेक्टली मुझे सही लग रही है 3/2 और 1/2। जहां तक बात आती है B की, तो मैं B के बारे में सिर्फ इतना बोलूंगा दैट B बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, राइट, बिकॉज बी का ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं आ रहा, बी अल्टीमेटली कहीं पे भी एक्सप्रेशन में दिख नहीं रहा है। वंस द एक्सप्रेशन इज सिंपलीफाइड, वी आर नॉट फाइंडिंग बी एनीवेयर, ठीक है। सो द आंसर शुड बी ए इज इक्वल टू 3/2, सी इज इक्वल टू 1/2 एंड बी इज एनी रियल नंबर। लेट मी नो इफ इट इज फाइन, यस नो में बताओ जरा। ओके, दिस इज योर नेक्स्ट गिवन क्वेश्चन, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r. अच्छा ठीक है, स्फेयर के अंदर एक सिलेंडर हमें बनाना है, ठीक है। मैं 2D इसका शेप बना रहा हूँ, तो 2D बनाऊंगा तो ये सिलेंडर कुछ ऐसा रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, है ना, और स्फेयर हमारा सर्कल की तरह दिखेगा, ठीक है। ओके, नो डाउट, दैट्स ओके। तो यहाँ से अगर मैं इसके रेडियस की बात करूँ, स्फेयर का रेडियस हमें कैपिटल आर गिवन है, तो इन्होंने बोला कि मैक्सिमम वॉल्यूम का जो सिलेंडर हम यहाँ पे बीच में इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ओके, तो उसकी जो हाइट होगी वो इतनी होगी, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है इसकी हाइट, लेट से इसकी हाइट 2y है, ठीक है, मैं इसकी हाइट को क्या ले रहा हूँ, 2y ले रहा हूँ, तो हमें ये प्रूव करना है कि 2y इज इक्वल टू 2r/√3, ठीक है। कब? व्हेन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है, व्हेन एवर द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ऐसे क्वेश्चंस केस स्टडी में डेफिनेटली आ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आओ चलो करके देखते हैं, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो देखो बहुत स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बिकॉज उन्हीं स्टेप्स के 5 क्वेश्चन बनते हैं जो स्टेप आप यहाँ पे सीखते हो। तो देखो, दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव, है ना। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, राइट। तो इस पॉइंट से वाई जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तभी मैंने हाइट को क्या लिया, 2y लिया, ठीक है, हाइट को मैंने 2y लिया। और इसके रेडियस को, जो सिलेंडर का रेडियस है ना, एक्चुअली सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है ना, बट मैं स्फेयर भी तो ऐसा सर्कल थोड़ी ना होता है, स्फेयर तो स्फेयर होता है, जैसे अर्थ है, जैसे फुटबॉल है, ठीक है। तो मैंने 2D डायग्राम ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे ये मैंने y ले रखी है और ये रेडियस को x ले रखा है, ठीक है, दिस इज x, ठीक है। सो वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम इज πr²h, दैट मीन्स πx²h, h इज व्हाट, h इज 2y, ठीक है। अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, वी हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन, वी हैव टू मेक अ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है। पहले एक फंक्शन तुम्हें एस्टैब्लिश करना होता है, और जनरली केस स्टडी में पहला क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं देखूँ इनके बीच का रिलेशन, तो ये हमारे को फंक्शन अभी क्रिएट करना है जो कि अभी हो चुका है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स भी और वाई भी, जनरली ऐसे ही होता है, राइट। इसको तुम्हें किसी एक में लेके आना होता है यूजिंग द कंडीशंस। तो यहाँ से तुम बड़े आसानी से ये देख पा रहे होगे कि x² + y² इज ऑलवेज इक्वल टू r², ठीक है। तो मैं इसमें बड़े आसानी के साथ x² को यहाँ से रिप्लेस करना चाहूँगा, क्या लिखूंगा, r² - y²। आई मीन आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ दिस रिलेशन इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आओ देखते हैं जरा, इक्वेशन नंबर 1 में जो वॉल्यूम का फंक्शन हमने बना रखा है यहाँ रखते हैं, तो x² की जगह पे मैंने रखा r² - y², ठीक है, और यहाँ मेरे पास ऑलरेडी 2y अवेलेबल है बिकॉज दैट वाज द हाइट। सो ये वॉल्यूम का फंक्शन तुम्हारा तैयार हो गया, विच इज 2πr² y - y³, ठीक है। अब क्या करना है, कोई टेंशन तो लेनी नहीं है, dv/dy कर डालो, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो 2π अपनी जगह पे फिट रहेगा, ये हो जाएगा r² और ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज 3y², ठीक है। नाउ हमें मालूम है किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा पे ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगा, जब मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, r² = 3y²। दैट मीन्स व्हाट कैन बी सेड अबाउट y, y = ± r/√3। अब देखो y हाइट है तो माइनस का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए माइनस को मैं इग्नोर करके प्लस लूंगा। तो y कितना आ गया, r/√3। अगर y इतना आ गया तो अपने को चाहिए क्या था, अपने को 2y चाहिए था, तो 2y कितना हो जाएगा, 2r/√3। तो जो तुम्हें प्रूव करना था वो तो प्रूव हो गया, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो, ठीक है। लेकिन अगर जनरली अगर आप कॉन्सेप्चुअली जाएं, जो कि यहाँ एमसीक्यू पेपर में नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बता देता हूँ, तो क्या होता है कि इस पॉइंट पे तुम्हारा जो सेकेंड डेरिवेटिव है, दैट शुड बी व्हाट, दैट शुड बी नेगेटिव इफ इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इफ यू डिफरेंशिएट इट वन मोर टाइम, d²v/dy², so this would give you 2π, r² will give you a 0 because that's a constant thing, given जो भी given है वो constant, ठीक है, जैसे given radius r that is constant, ठीक है। और ये कितना आ गया, -6y। तो जैसे ही तुम y की वैल्यू रखोगे, y क्या रखोगे, y की वैल्यू रखोगे r/√3, ठीक है। what is y, y is r/√3, so when you put this value you get what, this is less than 0, right? This second order derivative is what, this is negative. If this is negative this gives you the confirmation that yes, this is the point of maximum, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम आपका मैक्सिमम है, कब, जब रेडियस r by √3 है, that is all, right? अब इन्होंने पूछा था कि what is the maximum volume, that was the last part, तो कुछ नहीं करना, तुमने वॉल्यूम का फंक्शन बना रखा है, right? This is your function of volume, बस इसमें y is equal to r by √3 रख दो and get the answer. चलो आओ ये भी कर देता हूँ. So 2 pi है यहाँ पे, y के जगह पे आप r by √3 रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये r³ by √3 हो जाएगा, ठीक है, r³ by √3, और यहाँ जब y³ है तो y³ बन मिलेगा मुझे r³ by 3√3, ठीक है, 3√3. If I take the LCM, this would be what? This would be 2 pi r³ upon √3, ठीक है, 2 pi r³ upon √3, and this would be left with what, 3 minus 1, ठीक है, because 3√3 LCM होगा ना, है ना, तो यहाँ पे ये अगर तुम देखो 3√3 LCM हो जाएगा और यहाँ पे 3 minus 1 होगा, यानी कि तुम्हारे पास 2 एक और आ जाएगा. तो फाइनल आंसर मेरे ख्याल से जो होना चाहिए, ये होना चाहिए 4 pi r³ upon 3√3. This is the maximum volume of a cylinder that can be inscribed in a sphere of radius capital R. Let me know if it is clear. Okay, so this is last doubt that you have given. Let's quickly go through it. y raised to the power 1 by m, y raised to the power minus 1 by m is equal to twice of x. Prove that x² minus 1 by 2. I am sure that you understand y2 denotes what? It is the second order derivative, d² y over dx². Okay. Similarly, y1, I'm sure you understand what is y1. Okay, that's dy by dx. ठीक है ना, तो ये सब बातें तो आपको आती हैं. अब हमें ये देखना है कि इसको हम प्रूव कैसे करें. तो 2 बार डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, एक बात तो पक्की है, और फिर कुछ देखना पड़ेगा. चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, थोड़ा देखते हैं एक्सप्रेशन क्या गिवन है, राइट? लेट्स सी, आइए देखते हैं एक्सप्रेशन क्या गिवन है. तो y³ by 1 by m प्लस y³ minus 1 by m, इसको मैं ना ऐसे नीचे की तरफ लेके आता हूँ. y³ 1 by m इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 2x. ठीक है, ऐसा आ गया, ओके फाइन. और चलो सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये y³ 2 by m प्लस 1 इज इक्वल टू 2x y³ 1 by m. ओके, ये ना y³ 1 by m में कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सा नहीं बन रहा क्या, है ना? y³ 1 by m में मुझे लग रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, फैंटास्टिक सा. ठीक है, 2x और ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास y raised to the power 1 by m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो अगर मैं बोलना चाहूँ जैसे होता था ना, अगर तुम्हें याद आ रहा है कि अगर हमारे पास t² minus 2xt प्लस 1 होता था, तो t यहाँ पे क्या लिया मैंने, 1 by m लिया. तो t की वैल्यू क्या बोला करते थे बताओ, t की वैल्यू ऐसा नहीं बोलते थे कि t इज इक्वल टू -b, राइट, प्लस -b² minus 4ac, है कि नहीं, b² minus 4ac, तो कुछ ऐसा हो जाता था, डिवाइड बाई 2 ऑफ a, है ना. तो t की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाए, अगर 2 को हम कॉमन ले लो तो ये कुछ बहुत बढ़िया सा बन रहा है, ऐसा है ना, x² minus 1. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग एज t, एंड t इज नथिंग बट y raised by m. और यार ये तो बहुत अच्छा बन गया. आओ देखें जरा, तो y³ 1 by m इज इक्वल टू x प्लस माइनस √(x² - 1). ऐसा आ रहा है अभी फिलहाल तो, है अच्छा ठीक है. अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं इसको ना, बिकॉज हमें dy/dx चाहिए, तो ऐसा करते हैं ना, इसको होल पावर m कर लेते हैं, कर सकते हैं ना दोनों तरफ. ठीक है, तो y³ होल पावर m कर लेता हूँ मैं. तो ये आ गया x प्लस माइनस √(x² - 1), है ना. आपको लग रहा होगा सर डिफ्रेंशिएट करके काम खत्म करो, बट मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर आप सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करोगे तो आपने जो भी एफर्ट्स पहले लगाए हैं कहीं ना कहीं वो लास्ट में काफ़ी कम टाइम, बहुत कम काम बच जाता है करने को, इसलिए सिंप्लीफाई करना इट इज़ सजेस्टेड फ्रॉम माय साइड. ठीक है, लेट्स डिफरेंशिएट इट वन मोर टाइम. इफ आई डिफरेंशिएट इट वन मोर टाइम, आई वुड बी गेटिंग dy/dx, राइट. चेन रूल वुड कम इनटू रोल हियर. दिस वुड बी m times and x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा एम माइनस वन। और क्या करें बच्चों, और यहाँ पे चेन रूल लगाते हैं, तो चेन रूल लगा के कितना आ जाएगा, दिस वुड गिव मी अ वन प्लस माइनस वन बाई टू, ठीक है, वन बाई टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और साथ में क्या ट्वाइस ऑफ एक्स, ठीक है। इस टू और टू को कैंसिल करो और देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर डालो, तो ये तुम्हारे पास dy by dx which in the question is given as y1, right, this is coming out to be, अगर मैं यहाँ पे LCM ले लेता हूँ तो m times, right, m times ये हमारे पास x प्लस माइनस और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन है और डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ ये बना हुआ है, ये एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस माइनस एक्स, ठीक है, प्लस माइनस एक्स, ओके नो प्रॉब्लम, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, जैसे कि ये ए प्लस बी और ये b प्लस ए का फॉर्म आ रहा है, या फिर a माइनस बी और b माइनस ए का फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी लेंदी सी कैलकुलेशन हो जा रही है, ओके और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें कि हम इसको थोड़ा बेहतर सोच सकें, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद भी ये एक्सप्रेशन काफ़ी लेंदी आ रहा है। चलो एक बार देखते हैं इसको डायरेक्टली करके, ठीक है, आओ इसको एक बार डायरेक्टली करके देखते हैं। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, राइट, आई शेयर इट इन द नोट्स और मैं इसको रादर एक नए पेज पे कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे देख सकें इसको कि कैसे और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट, ओके लेट्स सी दिस वन। तो ऐसा करते हैं इसको ना एक बार डिफरेंशिएट कर डालते हैं, ठीक है, लेट्स डिफरेंशिएट स्ट्रेट अवे, बिकॉज ऐसे तो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छा सा समझ में नहीं आया ऐसा, हालांकि हमने यहाँ पे इसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर लिया था, बट स्टिल इस प्लस माइनस की वजह से थोड़ा अगर सिर्फ एक साइन होता तो अच्छा होता, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास दो साइंस हैं तो इसको डील करना थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। सो नो इशूज़, आओ इसको यहाँ पर डील करते हैं, है ना, हम लोग डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आइए लेट्स सी, so if I differentiate this straight away, so this would give me what, this would give me 1 by m and y raised to the power 1 by m minus 1, ठीक है, साथ में कितना dy by dx, इधर आएगा मेरे पास minus 1 by m y raised to the power minus 1 by m minus 1 and dy by dx and that certainly is equal to only 2, ठीक है, okay let's get dy by dx। तो dy by dx के साथ मुझे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पे 1 by m एक तो मिल रहा है, क्यों ना मैं इसको भी बाहर लेना चाहूँगा, और यहाँ मेरे पास रह क्या y raised to the power 1 minus m अपॉन m, ठीक है, माइनस साइन के साथ y की पावर माइनस वन माइनस एम अपॉन एम, दैट इज इक्वल टू व्हाट, टू, ओके। अब क्या करें, अब क्या करें, चलो आओ सोचते हैं, ये क्वेश्चन तो थोड़ा अच्छा सा मिल गया, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, देखते हैं। तो दिस इज y की पावर माइनस साइन को अगर मैं एडजस्ट करूं नीचे लेके जाऊं तो प्लस हो जाएगा, और फर्दर ऐसा डिफरेंशिएट करने का भी कुछ बेनिफिट नहीं दिखता है। चलो कोई नहीं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। लेट्स सी, कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली कैसे हम यहाँ तक ज़्यादा ईजिली पहुँचें, ऐसी कोई बात बहुत डायरेक्टली नहीं मिल पा रही, कोई बात नहीं। लेट्स सी, तो y की पार 1 माइनस एम अपॉन एम एंड y की पार माइनस 1 माइनस एम अपॉन एम। अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ, ये जो लास्ट एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसको 1 अपॉन के फॉर्म में ले आऊँ तो क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेट्स सी। तो मैं इसको लिख पाऊँगा y की पार 1 प्लस एम अपॉन, ठीक है, ऐसा लिख पाऊँगा। और थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई होता हुआ मुझे दिखता है, स्लाइट सिंप्लीफिकेशन। सो दिस वुड बी dy by dx into 1 by m and now if you take the LCM this would be y raised to the power 1 plus m over m, ठीक है। LCM अगर ले लो तो कितना हो जाएगा, y की पार, दिस वुड बी मल्टीप्लाइड, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दिस वुड गिव अस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज मल्टीप्लाई होकर हमारे पास एम स्क्वायर ही आएगा। तो ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 2। डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिखना चाहूँगा, डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिखना चाहूँगा ट्वाइस ऑफ एम, ठीक है, ये m उधर क्या, और y रेज टू दी पार 1 प्लस एम अपॉन एम, ठीक है। और डिनोमिनेटर में एक लंबा सा एक्सप्रेशन है, कुछ कर नहीं सकते, उसका जो है वो है, दैट इज कमिंग आउट टू बी y रेज टू दी पार 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ऐसा कुछ। थोड़ा स्क्रीन से काफ़ी नीचे चला गया बट आई होप इट्स विजिबल, मैं इधर लिख भी देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, राइट, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। ये एक्स स्क्वायर पूरा पूरा गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं, वट एवर इट इज़ इट इज़। सो लेट्स सी, आइए एक बार देखते हैं। तो मैं इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा इन ऑर्डर टू सी वट ऑल वी कैन डू देयर। सो इफ आई डिफ्रेंशिएट दिस एक्सप्रेशन वन मोर टाइम आई वुड बी गेटिंग d2y ओवर dx स्क्वायर, और यहाँ मैं अब क्वोशिएंट रूल अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज लिखा y रेज टू दी पार 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और न्यूमिनेटर को जब डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास कितना आ गया, 2m इज एक्टिंग लाइक अ कॉन्स्टेंट। यहाँ जब मैंने -1 करूँगा तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा मेरे पास y रेज टू दी पार, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, राइट। आई मीन ठीक है, वैल्यूज़ रख के हो ही जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में होता, सपोज करो, राइट, सपोज करो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में होता और बोलते कि बताओ दिस इज इक्वल टू व्हाट, राइट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो मैं पता क्या करता, मैं यहाँ पे m की वैल्यू 1/2 ले लेता। क्या करता मैं यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेता, ठीक है, और मैं इसको चेक कर लेता कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। बट हाँ, यहाँ सब्जेक्टिव के ख्याल से तो काफ़ी लेंदी सा कैलकुलेशन हो रहा है। आई एम श्योर ये अभी इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, लेंदी सा प्रोसेस आएगा, यहाँ वैल्यूज पुट करूंगा, विल गेट द आंसर, बट दैट सर्टेनली इज वेरी वेरी लेंदी, ठीक है सर। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग कि यहाँ पे अगर इतने लेंदी क्वेश्चंस अगर हमारे पास कल के पेपर में आ जा रहे हैं तो हम इसको आके डील कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, तो ये उन 10 क्वेश्चंस में से हैं जो कि आपको छोड़ने हैं, ठीक है, पहली बात। बिकॉज कल पेपर किसका अच्छा होगा ये उसके विजडम पे भी डिपेंड करेगा कि वो कैसे वो 40 क्वेश्चन चूज कर रहा है और 10 क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ द वे रिजेक्ट कर रहा है कि हाँ यही वाले 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट शोइंग योर नॉलेज, इट इज़ ऑल्सो अबाउट शोइंग योर विजडम कि तुम किस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हो उन 40 क्वेश्चन को, तुम्हें करने चाहिए, ठीक है। जहाँ तुम 100% श्योर हो कि हाँ ये इजी है, करने वाला है, वही करो। ऐसा नहीं कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन को मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। इफ एट ऑल मान लो तुम्हारे पास 10 से अधिक क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट आ गए तो क्या करोगे। तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन मेरे पास ऐसा कभी भी आएगा तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस को जब आप डील कर रहे होंगे तो आपको इस m को कुछ भी एक सिंपल सी वैल्यू लेकर के स्टार्ट करनी चाहिए. टेक m इज इक्वल टू 2, डिफरेंशिएट इट, पुट द वैल्यूज एंड सी कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, ये लेंथी मेथड मैं कभी भी कल के एग्जाम के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा. ठीक है, सो एनीथिंग एल्स लेट मी नो. Okay, so this is another question that you have just given that is there in one of the sample papers. Y is equal to sin x. There are choices. We have to find which of them is correct. Is strictly increasing in 0 to pi by 2. Is strictly decreasing in pi by 2 to pi. Is neither increasing nor decreasing in 0 to pi. See, you need to understand. हालांकि बहुत easy function है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने trigonometry को थोड़ा भी ठीक ठाक से पढ़ा है तो तुम्हें इसका answer साफ साफ दिखता है कि 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक ये फंक्शन इंक्रीज तो कर रहा है और पाई बाई 2 से लेके पाई तक ये फंक्शन डिक्रीज तो कर रहा है. ठीक है, और ये वाली बात भी सही लगती है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से लेके पाई. वाई? बिकॉज कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है. तो ये तीसरी बात तो पक्की से सही है, ये वाली बात तो पक्की वाली सही है. ठीक है, अब बात आती है पहले दो जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, राइट, ये हमारे पास तीन बातें दे रखी हैं, इसको हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं. तो शायद तुम्हें कुछ याद आ रहा हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वर्ड का यूज किया गया है. ठीक है, dy by dx को मैं जरा चेक करूंगा, dy by dx मेरे पास कितना आएगा, cos x. ठीक है, और शायद तुम्हें अगर याद आ रहा हो, इंक्रीजिंग मतलब लगातार इंक्रीज हो रहा है, कभी भी वहां पे dy by dx इज नेवर इक्वल टू 0. dy by dx इज नेवर इक्वल टू 0 इन व्हेनेवर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ठीक है, तो मैं देखूंगा 0 से लेके पाई बाई 2 तक में, और क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, ठीक है, क्लोज इंटरवल है, तो क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? नहीं. पाई बाई 2 पे ये 0 हो जा रहा है, अगर पाई बाई 2 पे 0 हो जा रहा है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये इंक्रीजिंग है, राइट. अगर यहाँ पे सिर्फ इंक्रीजिंग होता तो ये बिल्कुल सही होता. ठीक है, क्योंकि पाई बाई 2 पे क्लोज इंटरवल है, राइट, और वहां पे ये 0 हो रहा है. dy by dx can never be equal to 0 in a strictly decreasing function. In an increasing function, yes, it can be greater than equal to 0, but in a strictly increasing function, it will always greater than, it is always greater than 0. ठीक है, in the second case, as you have said that it is pi by 2 to pi in open intervals, right? Open intervals. तो यहाँ पे yes, pi by 2 से लेके pi तक कभी भी ये जो मेरे पास cos x है, right? ये जो मेरे पास cos x है, बोल रहे strictly decreasing. Yes, it is strictly decreasing. Why? क्योंकि ये कभी भी मेरे पास पॉजिटिव नहीं होगा या फिर जीरो नहीं होगा, ये हमेशा ही नेगेटिव रहेगा. तो यहाँ पे मैं बोलूंगा सेकंड एंड थर्ड बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. लेट मी नो इफ इट इज करेक्ट. इन द बुक इट इज गिवन दैट ओनली सेकंड इज करेक्ट, बट नो, इट इज सेकंड एज वेल एज थर्ड, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, राइट. इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर किसी भी गिवन इंटरवल में इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा है तो हम यही बोलेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. ठीक है, और यहाँ तो आपको समझ में आ ही चुका है. ठीक है, सो दोनों के दोनों इसमें सही है. एनीथिंग एल्स एनीवन? ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो. अच्छे से पेपर करना, कुछ और परेशानी आई मुझे मैसेज ड्रॉप करना. विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस.